तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 1.3 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज अ मेल पार्ट. इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड विद द टीएस ऑफ एंथर. एंथर इज नथिंग बट द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ओके, एंथर जो भी है, ये जो भी फ्लावर है, फ्लावर के अंदर प्लांट का मेल पार्ट है. एंथर के अंदर एंथेसिस होगा एंड आफ्टर दैट एंथेसिस इट विल फॉर्म अ पॉलन ग्रेन. एंथेसिस होने के बाद वहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा. तो इन दिस टॉपिक दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी विल सी दैट हाउ द स्पोर्स आर फॉर्म एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्पोर. ये स्पोर का स्ट्रक्चर कैसे है, फिर वो आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे करने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देखें. सो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद दैट part, just a minute. So each microspore mother cell divides meiotically to form a tetrad of haploid microspore, that is a pollen grain. जैसे कि हमारे body में अगर मैंने human के अंदर male या तो female किसी भी part में ले लिया, if I am saying that is male, so male के अंदर testes के अंदर spermatogenesis होगा और जो भी सेल होते हैं मदर सेल वो फोर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. तो वैसे ही मियोटिक डिवीजन यहाँ पर भी होगा, प्लांट के अंदर भी मियोटिक डिवीजन होगा, बट वो जो पार्ट है मेल पार्ट का फॉर्मेशन करने वाला पार्ट, दैट इज पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाला जो मेल का पार्ट है, तो इसको जो फॉर्म होगा वो जो सेल है दैट इज माइक्रोस्पोर. नाउ वेयर द माइक्रोस्पोर सेल्स आर लोकेटेड, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करो. जस्ट में यू कैन सी दैट, ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये जो पार्ट है, हमने जो स्पोरोजिनस सेल लिया, सो दैट स्पोरोजिनस सेल कंसिस्ट ऑफ मदर स्पोर सेल. ओके, वहीं पर क्या है, मदर स्पोर सेल प्रेजेंट, और इसी मदर स्पोर में, ओके, सो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, यानी कि यहाँ पर मियोसिस होगा, और ये टेट्राड ऑफ अ हैप्लॉइड, यानी कि मियोसिस के अंदर फोर सेल जो फॉर्म होते हैं, तो वैसे ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, ये जो है ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो ऐसे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर ये फॉर्म. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, वट एवर माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन दे आर फॉर्मिंग, सो वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टी एस. ओके, ये जो भी है ये टी एस बोल सकते हो कि ये डायग्राम है टी एस ऑफ पॉलन ग्रेन का. सो टिपिकल पॉलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल. इफ आई एम सेइंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ मेल, मेल के अंदर ह्यूमन के अंदर अगर मैं स्पर्म लिया तो स्पर्म के अंदर टेल होता और उसके वजह से उसका मूवमेंट होता, बट यहाँ पर ये नॉन मोटाइल. सो टिपिकली पॉलन ग्रेन इन प्लांट इज नॉन ओके. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मींस क्या है, जो आपका सेल है सेल के अंदर सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड. यूनिसेलुलर बॉडी, ओके, सिंगल सेल बॉडी है, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, with a single nucleus, और यहाँ पर nucleus क्या रहेगा, single present. Now, it is surrounded by two layer of wall, that is called it as a sporoderm. Okay, spore के अंदर जो भी wall है, now you can see that the which are the two walls are present in that. So यहाँ पर जो two walls है, that is exine and entine. आपको diagram में दिख रहा होगा, देखो ये dark color वाला जो part है, thick walled, that is called it as the exine. और जो इनर साइड में जो पार्ट है कवरिंग है वो थिन है, दैट वाज द इंटर. तो वही पार्ट है, देखो द आउटर लेयर एक्साइन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिक. ओके, ये जो भी वॉल है ये टू टाइप के वॉल है, आउटर साइड में एक्साइन वॉल है और इनर साइड में इंटाइन वॉल. एक्साइन वॉल इज अ थिक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, और यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, सो इट इज कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉर स्पोर.
क्लोरोपोलेनिन करके यहाँ पर एक केमिकल रहेगा और वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये एग्जाइन वॉल का फॉर्मेशन। नाउ द सेकेंड वॉल, ओके, इसके पहले इसका कुछ फंक्शन वगैरह भी दिया है। नाउ दैट एग्जाइन वॉल, इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पल पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिस। तो ये अकॉर्डिंग टू कि वो कौन से स्पेसिस का पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर डिपेंड है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे रहे। कुछ प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे वो स्मूथ भी हो सकते हैं, ओके, तो वो स्मूथ भी हो सकते हैं, और कुछ प्लांट के अंदर ये जो भी है तो ये स्कल्पस जो भी है उसका पैटर्न भी हो सकता है। मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो पॉलिनेशन के टाइम स्टिग्मा के ऊपर ये डिपॉजिट होने वाला है, तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड। नाउ इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल, ओके, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इट वॉज रेजिस्टेंस टू अ केमिकल। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग अ एरिया नोन एज जर्म पोर। नाउ कैन सी इन दिस पिक्चर, पूरा का पूरा अगर हम लोग एक्साइन के वॉल देख रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द इसका वॉल ठीक है, बट कुछ जगह पे इफ यू सी दिस पार्ट, ओके, ये पार्ट है, देन ये पार्ट है, देन ये पार्ट है, तो इस स्ट्रक्चर में जो एक्साइन का वॉल है ये ठीक ना होके क्या हो गया, थिन हो गया। सो एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग अ एरिया नोन एज जर्म पोर, यानी कि वहां पर छोटे छोटे पोर्स है and these pores are called as a germ pore. Now what is the function of that germ pore? So these are meant for growth of emerging pollen tube during germination of pollen. वो structure हम लोग आगे देखने वाले कि जब ये आगे जाके pollen tube का formation करेगा तो यही cytoplasm जो inside होता है cell में वो बाहर निकल, तो उसको कुछ तो place चाहिए जहां से वो बाहर निकले, तो वो जो place है वो कौन सा है, तो ये एक्साइन के वॉल का जर्म पोर है, वहां से साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा और वो फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जस्ट अ मिनट, आप लोग ये पिक्चर्स में देखो, देख सकते, ये देखो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ रहा है और फिर ये स्टिग्मा के ऊपर गिरा, फिर ये देखो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखो पॉलन ट्यूब, तो ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है वो कहाँ से फॉर्म होगा, तो वो जो हमने अभी एक्साइन के वॉल लिए, हमने जो अभी स्टडी किया था एक्साइन का वॉल, उस एक्साइन वॉल के जो पार्ट है दैट इज जर्म पोर, वहां से वो बाहर निकल, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट पार्ट, ओके, सो वही पार्ट का वो फंक्शन है विच यू कैन सी हियर, जो कि आपको यहाँ पे राइटिंग में दिख रहा है, तो वही देखा, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग द एरियाज नोन एज जर्म पोर, और उसी एरियाज को क्या नाम दिया है, जर्म पोर करके नेम। These are meant for growth of emerging pollen tube. Okay, so ये जो भी part है ये pollen tube का जो भी formation के लिए help करेगा। Now the next part, the inner wall layer is called as the intine and it consists of cellulose and pectin. You can see in this part, exon के बाद में ये जो wall है, thin wall है, that is called as the intine. और intine में क्या present है, thickening of cellulose. तो इसका जो कंटेंट है दैट वाज प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो दिस इज ऑल अबाउट 1.3 माइक्रोस्पोरोजेन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहां पर आपके बुक में और एक पार्ट दिया है दैट वाज 1.3 में, ऑलवेज रिमेंबर करके एक छोटा सा पार्ट दिया है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दैट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो हम लोग उस टॉपिक को जो है यहां पे देखते हैं। नाउ पोलन viability means live रहने का condition जो, viable means live. So pollen viability. Now what's the meaning of viability? Viability is the functional ability of pollen grain to germinate to develop a male gametophyte depends upon the environmental condition that is a temperature and humidity. यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, ये जो पॉलन ग्रेन है, ओके, ये स्ट्रक्चर में जस्ट अ मिनट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखो ये एंथर में से एंथेसिस हुआ, पॉलन ग्रेन निकला और ये स्टिग्मा के ऊपर गिरा, स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद ये फटाफट नहीं होगा, तो इसको कुछ टाइम लगेगा और उस पर्टिकुलर टाइमिंग में फिर इसके अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है
ये अलग अलग स्पीसीज के लिए वैरी होता और ये कंडीशन किस पे डिपेंड है, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर में ये प्रोसेस हो रहा है उस टेम्परेचर पे डिपेंड है, और प्लस ह्यूमिडिटी यानी कि उस एरिया में एयर के अंदर वाटर का कंटेंट कितना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पॉलन वायबल. नाउ इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और दिए हैं. नाउ दैट पॉलन वायबिलिटी इज 30 मिनट इन अ केस ऑफ प्लांट लाइक राइस एंड व्हीट. अगर हम लोग राइस और व्हीट का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका जो पॉलन का वायबिलिटी यानी कि जो भी मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन का जो टाइमिंग होता है ये 30 मिनट होता है. बट द सम मेंबर्स ऑफ अ फ्लावर दिस वायबिलिटी इज इवन फॉर अ मंथ. तो कुछ के अंदर ये कम ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए देखो. बट इन सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लाइक सोलेंसिया फैमिली एंड रसोसिया फैमिली एंड लेग्यूमिनस इट इज अ लास्ट इवन फॉर अ मंथ. तो ये जो वायबिलिटी होता है ये मंथ के लिए भी हो सकता है, बट द नॉर्मल जो प्लांट है लाइक राइस और व्हीट उसके लिए ये कितना है 30. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट पॉलन वायबिलिटी.